तंत्र के बारे में आप सभी लोगों ने अवश्य सुना होगा और तंत्र को लेकर बहुत लोगों में गलत फहमियाँ भी है कि तंत्र से ऐसा हो जाता है, तंत्र से वैसा होता है, तंत्र गलत चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन तंत्र गलत चीज़ों से ज़्यादा बहुत ही अच्छे कार्यों में भी यूज़ होता है, लोगों को यह बात नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम तंत्र के बारे में बात करेंगे कि तंत्र है क्या और तंत्र जो हम लोग समझते हैं या जो आप लोग जानते हैं उसी को तंत्र बोलते हैं या तंत्र का एक विराट रूप भी है कोई। तो चलिए आज इस वीडियो में हम तंत्र को जानेंगे, जिसके माध्यम से तंत्र मंत्र और यंत्र इन पे भी थोड़ा सा जोर देंगे और साथ में योग को भी थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यह सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र और योग को आज थोड़ा सा हम लोग विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तंत्र तन धातु से मिलकर बना है, तन प्लस त्र बराबर तंत्र, विस्तार के रूप को ही तन कहा गया है और त्र मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान का विस्तार ही तंत्र है। और दूसरे रूप में भी इसे इस प्रकार से कहा गया है, तन अर्थात हमारा शरीर और त्र का मतलब ज्ञान, यानी हमारे जो शरीर का ज्ञान है उसे ही तंत्र कहा गया है। देखिए, आज के समय में ज्ञान प्राप्ति का मतलब है कि हमें पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, इन्हीं सब चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्ति होगा, लोगों को देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, इन सब चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। लेकिन पहले ज्ञान प्राप्त करने का चार मूल रास्ते थे, तंत्र यंत्र मंत्र और योग। योग और तंत्र एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, क्योंकि योग में भी सभी चीज़ों का समावेश होता है और तंत्र में भी सभी चीज़ों का समावेश होता है। तंत्र जो है पूरे हमारे तन से यानी शरीर के पूरे ज्ञान से जुड़ा हुआ है, मंत्र अर्थात जो हमारे मन का ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है, यंत्र अर्थात जो कि हमारा उपकरण है, उपकरणों के ज्ञान को यंत्र कहा गया है। इसीलिए इन तीन भागों को अलग अलग विभाजित किया गया है, तंत्र मंत्र और यंत्र। और जो योग है वह सभी चीज़ों का समावेश है, यानी तंत्र मंत्र और यंत्र के लिए योग इम्पॉर्टेंट है, यानी योग मतलब जुड़ाव, यानी किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए योग का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जो तंत्र है वह भी इन सभी चीज़ों को जोड़ता है, दरअसल सभी चीज़ों के लिए एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी जाकर एक अच्छा आउटपुट आ सकता है। देखिए, आपको इसे अगर आपको समझना है ना, तो आप आज के आधुनिक जगत को उठाकर समझिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के समय में सबसे अच्छा आविष्कार मानव का क्या है, अगर आप ध्यान देंगे समझेंगे तो सबसे अच्छा आविष्कार कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर से ही हम हर चीज़ों को निर्माणित कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आज के समय में अगर आज बल्ब भी जलाना है ना, तो प्रोग्रामिंग करके लोग बल्ब जलाते हैं, और कंप्यूटर आज के समय में सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया है और उसमें ढेर सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कंप्यूटर की संरचना किस तरीके से हुआ है, तो आपको पता चलेगा कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग से नहीं हुआ है, नहीं सिर्फ हार्डवेयर से हुआ है, नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर से हुआ है। कंप्यूटर का सबसे मूल सिद्धांत पहले बिजली है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी कि एक जटिल संरचना को बनाने के लिए बहुत ढेर सारे चीज़ें उसके अंदर जुड़ी हुई हैं। यानी अगर कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो आपको बिजली होनी चाहिए, हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसमें रैम होना चाहिए, उसमें प्रोसेसर होना चाहिए, उसमें मदरबोर्ड होने चाहिए, आपके पास कोई LED स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें आप आउटपुट को देख सके, माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए जिससे आप आउटपुट दे सके, इसके बाद जो इनपुट आ सके। अब इसके बाद भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सब चीज़ें बनाने के लिए सब अलग अलग टेक्निक का यूज़ हुआ है, यानी कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक साइंस यूज़ हुआ है, कहीं आपका प्रोग्रामिंग यूज़ हुआ है, तो कहीं पर आपका हार्डवेयर की कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक जटिल संरचना बनाया गया है और उसको हम लोग प्रयोग में लेते हैं। तंत्र भी, मंत्र भी, यंत्र भी, सभी चीज़ों को मिलाकर ही कुछ कार्य किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है तंत्र में। तंत्र बेसिकली मंत्र को भी मिलाता है और यंत्र को भी मिलाता है, यानी यांत्रिक चीज़ यानी चीज़ों को भी लेता है। बेसिकली तंत्र तन पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी अपने शरीर को ही इस तरीके से बनाया जाए कि हम हर कार्य को कर सकें, यानी कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य हो या कोई भी जटिल से जटिल कार्य हो उसे बहुत आसान करने का प्रोसेस, यानी आसान करने का साइंस ही तंत्र है।
लेकिन लोग इसे गलत तरीके से जानते हैं या समझते हैं कि तंत्र से लोगों का बुराई करते हैं या तंत्र से किसी को मारा जा सकता है, तंत्र में कुछ भी हो सकता है। देखिए, तंत्र के मुख्य चार भाग तो हैं मारणम, मोहनम, व्यस्तम और उच्चाटनादिकम। मारणम अर्थात किसी को मारना, मोहनम अर्थात किसी को मोहित कर लेना, व्यस्तम अर्थात किसी को वशीकरण करना और उच्चाटनादिकम यानी किसी को जड़ से उखाड़ देना, यही चार उनके मुख्य अंग हैं। लेकिन इसे लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। मारणम अर्थात मारना नहीं, किसी को मृत्यु से बचाना भी मारणम कहलाता है। मोहनम अर्थात किसी भी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा मोह है, यानी हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मोहित किस पे हैं, हम लोग आधुनिक जगत पर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, अपने आत्मसार को नहीं समझ पाते हैं, हम लोग जगत में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इसलिए चीज़ों को समझ नहीं पाते, उसके मोह से छुटकारा दिलाने के लिए भी मोहनम का यूज़ किया जाता है। व्यस्यम यानी किसी में वशीकरण हो गया है, बहुत चीज़ें ऐसा नहीं है, वशीकरण का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि हम किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ को सम्मोहित कर लिए, ऐसा वशीकरण का मतलब होता ही नहीं है। वशीकरण में बहुत चीज़ें वशीकरण होते हैं जिससे हम अपने जगत में अपने चीज़ों को सही कर सकते हैं, उसके लिए भी वशीकरण यूज़ होता है। उच्चाटनादिकम, अगर आपका दुश्मन आप पर हमला कर रहा है या फिर उस तरीके का कोई कार्य कर रहा है जिसमें आपकी हानि हो सकती है, तो उसके लिए भी उच्चाटनादिकम बनाया गया था, यानी उसको जड़ से उखाड़ देना ही उच्चाटनादिकम है। वैसे तंत्र के 9 प्रकार है जो हम आगे चल के आपको बताएंगे। पहले हम आपको यह बताते हैं कि तंत्र इतना बदनाम क्यों हो गया। अब आप इसे इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक फोर्स तैयार कर रहे हैं अपने दुश्मन से लड़ने के लिए या अपने समाज को ताकतवर बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्स तैयार कर रहे हैं, एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, एक संगठन तैयार कर रहे हैं जो कि आपके दुश्मन से रक्षा कर सके। अब क्या होता है कि आप उसे सारे ट्रेनिंग देते हैं, आप उसको हथियार देते हैं, आप उसको सामान देते हैं कि हमारे पर जब भी हमला होगा तो तुम हमें बचाना इन सब चीज़ों से। अब होता क्या है कि हमला तो होता नहीं है, तो उन लोगों को पास जो वो ज्ञान है वह हमारी लोगों में यानी जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है उन्हीं लोगों पर प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं गलत तरीके से। यानी कि हथियार तो उनके पास है, मारना किसी और को है, लेकिन मारना उन्हीं को चालू कर देते हैं जिन्हें नहीं मारना चाहिए, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। शक्तियां किसी और वजह से मिली होती हैं, उन्हें किसी और वजह से उन्हें प्रयोग में लाने लगते हैं, इसीलिए तंत्र ज्यादा बदनाम हो गया, क्योंकि तंत्र ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि चुटकियों से कार्य होने लगता था, क्योंकि तंत्र ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके वजह से बहुत जल्दी कोई भी कार्य सिद्धि हो जाती थी। अब कोई भी कार्य बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती थी तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वह दिखने लगता था, इसलिए तंत्र धीरे 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 बदनाम होता गया। लेकिन तंत्र से बहुत बड़े बड़े कार्य पहले के समय होते थे, जितने भी आप ब्रह्मास्त्र हुआ और जितने भी ये हथियार हुए जिनके बारे में आप लोग ग्रंथों में पढ़े होंगे, ये सब तंत्र के माध्यम से उत्पन्न होते थे, यानी युद्ध में भी तंत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता था। कोई भी छोटा सा छोटा उपकरण बनाना है या फिर कोई बड़ा सा बड़ा कार्य करना है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो तंत्र के माध्यम से चीज़ों को संयोजित करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते थे तंत्र के माध्यम से। देखिए, तंत्र ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर ग्रंथों में एक ही तरीके की बात कही गई है। अगर आप देखेंगे तो हर धर्म में कर्मकांड की प्रोसेस अलग अलग है, पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप हिंदू धर्म ले लीजिए, जैन ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, किसी भी धर्म को उठाएंगे आप तो उसमें अलग अलग तरीके से कर्मकांड यानी पूजा पाठ करने की पद्धति बताई गई है। लेकिन तंत्र की पद्धति हिंदू, जैन, बौद्ध, तिब्बती इन सभी में एक प्रकार का बताया गया है। इससे यह भी साबित होता है कि तंत्र बहुत ही पुराना नहीं है। वैसे तंत्र का मूल सिद्धांत हमारे अथर्ववेद में मिलता है, वहां से तंत्र की शाखा फैलते हुए विस्तार रूप से हमारे समक्ष आई है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत से ऋषि मुनियों ने इस पे बहुत ही कठोर कार्य करके, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करके इसे और भी ज्यादा निखारा है, जो कि बीते कालों में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लिया जाता था। लेकिन इस समय हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसे हम लोग बदनाम कर दिए हैं या उसका कोई इस समय ज्ञाता नहीं है, उसे जानने वाले भी नहीं है। यह भी बात बहुत ही सही है कि उसे सही तरीके से आज के समय में कोई समझ नहीं पाता है और न ही उसके ज्ञानी बचे हुए हैं। भारत के प्राचीन काल में 3 मुख्य गण थे तंत्र का, बंगाल, बिहार और राजस्थान। राजस्थान और बिहार धीरे धीरे विलुप्त हो गया तंत्र से, वहाँ पर तंत्र का उतना असर नहीं रहा, लेकिन बंगाल में तंत्र का असर आज भी
देखने को मिलता है। तंत्र में बेसिकली बंगाल, बिहार और राजस्थान, यह मुख्य गढ़ था हमारा तंत्र का, जिसमें से बिहार और राजस्थान धीरे धीरे विलुप्त हो गया, लेकिन उनका आज भी थोड़ा थोड़ा अंश मिलता है। लेकिन बंगाल में इसका अंश ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वह लोग इस ज्ञान को कुछ हद तक बचा कर रख पाए। अथर्ववेद में मार्णम मोहनम उच्चाटनादिकम और वशम के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं के शाखाओं से तंत्र निकलकर आगे आया, जो इस समय विलुप्त यानी खत्म होने के कगार पर ही है। वैसे तंत्र को ऊंचाई देने का सबसे बड़ा श्रेय भगवान शंकर और दत्तात्रेय भगवान को जाता है। इन्हीं लोगों ने तंत्र को एक नई ऊंचाई देते हुए समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से तंत्र को लाया। लेकिन इसके बाद नाथ संप्रदाय यानी कि गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्र नाथ की जो संप्रदाय हुए, वो लोग भी तंत्र को बहुत ही अच्छे से संयोग कर रखे। आज भी तंत्र के बहुत से साधक आपको मिल जाएंगे, लेकिन वह कितने अच्छे हैं, कितने ऊंचाई तक पहुंचे हैं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको खुद से इसके बारे में रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि उनकी शक्तियाँ, उनकी चीज़ें कैसी हैं, तभी जाकर आप उन पर विश्वास करें, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। वैसे माना जाता है तंत्र में दो पक्ष हुए हैं, एक बुरे पक्ष, एक अच्छा पक्ष। यानी कि तंत्र के माध्यम से लोग बहुत लोगों का बुराई करते थे, जो एक बुरे पक्ष में आते थे, और वही तंत्र से बहुत लोगों का लोग अच्छाई भी करते थे, यानी लोगों को बचाते थे, वो अच्छे पक्ष में आते थे। वैसे तो हर जगह बुरे लोग और अच्छे लोग होते हैं। ज्ञान का प्रयोग अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप एक अच्छे भी कार्य के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और आप बुरे भी कार्य के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या तो आप वायरस भी बना सकते हैं अगर आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है। तो आपके ऊपर है कि आप ज्ञान किस तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए या बुरे कार्य के लिए। किसी भी ज्ञान को आप अच्छे और बुरे कार्य के लिए ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान कितना ताकतवर है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इससे यह पता चलता है कि तंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर था, चीजों को बहुत जल्दी से सिद्ध कर देता था, इसलिए तंत्र जल्दी बदनाम भी हुआ। क्योंकि अगर वह जल्दी से सिद्ध नहीं करता तो चीजें जल्दी से बदनाम भी नहीं होती, जल्दी से चीज़ें होती भी नहीं। यानी अगर मान लीजिए मारनम करना है, यानी किसी को मारना है, तो सच में जल्दी से जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाती थी लोगों में, इसीलिए यह बदनाम भी हुआ। आप भी सोचिए, कोई कार्य करना है आपको, तो आप वही चीज़ अपनाएंगे जो जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर आपको कभी भी किसी से ईर्ष्या हो गया तो आप उसे मारना चाहते हैं, तो आप वह टेक्निक हमेशा अपनाएंगे जिस टेक्निक से आप फंसे भी नहीं और जल्दी से जल्दी कार्य कर ले। तो कुछ तांत्रिक ऐसे थे जो इन कार्यों को गलत तरीके से करते थे, लेकिन तंत्र में यह भी बात कहा गया है कि अगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भी, जैसी करनी वैसी भरनी आपको भरना ही पड़ेगा। इसलिए उन हर तांत्रिकों का मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती थी जो यह गलत कार्य करते थे। आज भी आपको ऐसे बहुत से तांत्रिक मिल जाएंगे जो गलत कार्य में अपना योगदान देते हैं कुछ पैसों के लिए, लेकिन अगर आप उनकी पूरी जीवन शैली देखेंगे तो नर्क से भी बदतर उनकी जीवन शैली मानी जाती है। मेरा पक्ष अगर आप रखेंगे तो इन सब चीज़ों से आप दूर ही रहिए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में फंस जाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं में निकल जाएगी। और सही मायने में आप कुछ प्राप्त करेंगे या नहीं प्राप्त करेंगे, यह तो आपके इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, तंत्र सबको जोड़कर कार्य करता है, यानी तंत्र अपने तन द्वारा सभी चीज को जोड़ता है, यानी मंत्र को भी, यंत्र को भी, और आध्यात्मिक योग को भी जोड़ता है। यानी तंत्र सिर्फ तन की ही शक्तियां नहीं है, इसमें मंत्र का भी प्रयोग होता है और यंत्र का भी यूज होता है, और योग इसकी एक शाखा है, या योग का तंत्र एक शाखा है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है जिसमें रसायन पार्ट होता है। इसमें कहा जाता है कि तंत्र दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको कुछ ही समय में वह सही ना कर सके। तंत्र में हर प्रकार की बीमारी का इलाज निश्चित रूप से किया जा सकता है, तंत्र ऐसा कहता है। क्योंकि तंत्र का मानना यह है कि हमारे ही शरीर में हर प्रकार की ऊर्जाएं, हर प्रकार की रासायनिक क्रिया होती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। यानी अगर हमारा शरीर कट जाता है तो उसे भी हील करने के लिए हमारे शरीर में ही ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे दवा के रूप में कार्य करता है और उसे सही करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो तंत्र कुछ ऐसी टेक्निक उत्पन्न करता है जो कि आपके शरीर से ही उस दवाओं को निर्मित करता है, जिससे कि आप उस चीज़ से अपने आप सही हो जाएं। वैसे यह पूरी तरीके से साइंटिफिक है, लेकिन इसका मूलभूत आधार यानी कि इसको जानने वाले लोग अब नहीं बचे हैं, या यह ज्ञान बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, ऐसा आप मान सकते हैं।
लेकिन आज भी माना जाता है कि बहुत जगह गुफाओं में, पर्वतों पर ऐसे लोग उपस्थित हैं कि जो तंत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते हैं। सब मिलाकर तंत्र एक सीधा साधा साइंस है जो कि हमारे किसी भी कार्य को आसान करता है, जैसे कि उड़ना, किसी स्थान पर जाना, गायब होना। वैसे आज भी हम साइंस के माध्यम से यह सभी कार्य करते हैं। साइंस से जैसे कि हमें उड़ना है तो हम किसी एरोप्लेन का सहारा लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, गायब होना है तो उसके लिए भी बहुत से जुगाड़ हैं साइंस में। आपको अपना भेष बदलना है तब भी आप साइंस के माध्यम से बहुत सी चीज़ें करके आप भेष बदल सकते हैं, या तो आप नकाब पहन लीजिए या फिर आप प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए। मतलब आप बहुत चीज़ें हैं जो साइंस के माध्यम से किया जा सकता है। बस तंत्र भी कुछ इसी तरीके से था, वह किसी भी चीज़ों को मिलाकर, यानी कि तंत्र, यंत्र, मंत्र, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बस कार्य को सिद्धि करने के निर्देश पर वह कार्य करता था। यानी कि उनके पास एक मंजिल है कि हमें यह कार्य करना है। मान लीजिए मुझे एक्स कार्य करना है, तो एक्स कार्य करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। मंत्र की जरूरत पड़ेगी तो मंत्र करेंगे, तंत्र की जरूरत पड़ेगी तो तंत्र करेंगे, या किसी उपकरण यानी किसी चीज़ की पड़ेगी तो हम उस चीज को भी लाएंगे और उस कार्य को सिद्धि करेंगे। बस तंत्र का यही एक सिद्धांत था, किसी भी कार्य को करने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए किसी भी चीज को अपनाया जाए और उस कार्य को जल्दी से जल्दी कर दिया जाए लोगों के हित के लिए। बस इसका लोग ज्यादातर दुरुपयोग करने लगे, यानी लोगों के अहित के लिए कार्य करने लगे, इसलिए यह बदनाम हो गया। वैसे तंत्र में जो मंत्र यूज किया जाता है वह मंत्र अर्थहीन होता है, यानी उस मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ओम ह्रीं क्लीं अम कम चम टम क्रीम क्रीम हुम सह हुम, इस तरीके के मंत्र को यूज़ किया जाता है जो कि सिर्फ ध्वनि विज्ञान पर ही आधारित है। यानी यह चीज़ सिर्फ ध्वनि के माध्यम से हमारे शरीर में उस तरीके के रासायनिक या उस तरीके का कार्य करता है जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं। याद रखिए, यह जानकारी सिर्फ हम आपको इसके बारे में जानने के लिए ही बता रहे हैं, आप इसे करने मत लगिएगा, क्योंकि आप कोई भी साधारण सा कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आएगा ही। अगर आप एक पेन भी उठा रहे हैं तो पेन का भी आपके पास रिजल्ट आएगा ही। तो इसलिए आप हमेशा यह चीज़ याद रखिए कि कोई भी कार्य करने से पहले आप बहुत ही सोच समझ के कार्य करें। इसलिए तंत्र मंत्र और यंत्र से आप हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका कोई गुरु नहीं होगा तो तंत्र आपको निगेटिव पथ पर खींचने के लिए कोशिश करेगा, यानी आपका मति भ्रम करेगा। जैसे आप समझ लीजिए, अचानक से आपके पास आज वशीकरण का एक मंत्र आ गया और आप उस मंत्र से यानी उस तंत्र से उस टेक्निक से तंत्र अर्थात उस टेक्निक से आप किसी को भी वशीकरण में कर लेते हैं, यानी वशीभूत कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे जरा सोच के देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप अपने टीचर को वशीकरण करेंगे ताकि हमारा नंबर अच्छा आ जाए, या फिर अपने गर्लफ्रेंड को वशीकरण करेंगे, या जिसे आप चाहते हैं उसे वशीकरण करेंगे। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ उलूल जुलूल चीज़ें आएंगी करने के लिए। इसीलिए हमेशा तंत्र बदनाम हुआ है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, और जब चीज़ें लोगों को बहुत आसानी से मिलती है ना तो उसका हमेशा लोग दुरुपयोग करते हैं। आपके भी लाइफ में कोई चीज़ बहुत आसानी से मिलेगा ना तो आपको उसका कद्र कभी नहीं होगा, आप हमेशा उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए आप उसके पात्र है या नहीं है इसे समझने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की भी जरूरत पड़ेगी, और आज के समय में अच्छे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह जानकारी सिर्फ हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो विलुप्त ज्ञान है वह बचा रहे, लोग इसके बारे में जागरूक रहें, जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी, जो इस फील्ड में जाना चाहेगा वह इसे डीपली अध्ययन करके उसके पास कुछ न कुछ चीज़ें उसके आसपास होंगी जिसके सहारे से वह अपने मंजिल को पा सके। इसलिए यह वीडियो बनाने का उद्देश्य था। दोस्तों, तंत्र के बारे में इतना ही। तंत्र के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए। तंत्र के बारे में अगर आपका कोई राय है तो वो भी आप हमें अवश्य दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार हम तक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।